Subscribe and click the bell icon for all the television updates. सौम्या और मैं खेल रहे थे सोहम के साथ, खूब सारे खिलौने स्पाइडरमैन बैटमैन खेल रहे थे, बट उस खेल में इतने हंसी खुशी माहौल में थोड़ा सा ग्रहण लगना ज़रूरी होता है, और वो ग्रहण बन के आई थी कुछ पंचायत की चंद औरतें, तीन चार औरतें जो हमारे हाथ से सोहम को लेकर चली गई। सो यही ट्विस्ट था, आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट था हमारे लिए। हाँ, सो कौन थी वो औरतें, पंचायत से आई थी, तो सोहम किसके पास चला गया? देखिए, मैं और सौम्या बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि पंचायत का जो भी पक्ष होगा वो हमारे लिए ही होगा, और सोहम हमेशा हमारे पास ही रहेगा, मतलब सौम्या के पास रहेगा। बट जब ये औरतें आती हैं तो मैं और सौम्या हक्के बक्के रह जाते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या, क्या फैसला लिया गया। तो सौम्या तो डेफिनेटली पागलों की तरह एकदम बौखलाई हुई सी भागी है इन औरतों के पीछे, और उसके पीछे पीछे करते हुए मैं भी भागी थी। बट अभी जहाँ तक पंचायत ने जो अपना फैसला सुनाया है वो वरुण के पक्ष में सुनाया है, तो इसके बाद अभी सौम्या का जो हाल है वो बहुत ही अपनी होश खो बैठी है, बच्चे के गम में है। सो अभी काफ़ी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स, काफ़ी हैवी ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी सौम्या की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है, एक बच्चे की ऐसा सेंसिटिव इशू है कि जहाँ पे सिर्फ सौम्या और हरमन ही नहीं, पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया है। पूरा, अगर सौम्या के आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो पूरे परिवार के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सो लेट्स सी अभी क्या होता है, हरमन क्या करता है, बाऊजी क्या करते हैं, और कैसे हम सोहम को वापस लेकर आते हैं। चला